मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल वरकातु। मेरा नाम अबूबकर बिन अब्दुल्ला बामास है। मैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बामास का बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं तेलंगाना केसरी चैम्पियन हूँ। मेरे वालिद की सपना था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कामयाब हुआ उस चीज़ में। और बस आप सबके दुआ। तेलंगाना केसरी 84 से 140 केजी तक था। फाइनल में साई किरण पहलवान थे, उनसे मेरा मुकाबला हुआ। 6 मिनट के 2 राउंड थे। सेकेंड राउंड में उनको इंजरी हुई, उसके बाद उन्होंने मेरे को विन दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआ है। कितने पॉइंट्स? 8 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट बनाए? 8 पॉइंट। सामने वाले कितने? एक। आप एक कार 8 से जीते? जी हाँ। 8 और 1 के ऊपर? 3 घंटे। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉर्निंग में 3 घंटे, शाम में 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत वो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना केसरी थी ये 2003 तेलंगाना केसरी है। ये लास्ट सेकेंड तेलंगाना केसरी 2017 में हुई थी, उसके बाद 5 साल बाद अब हुई है तेलंगाना केसरी। उस टाइम मैं 74 केजी में खेलता था, अब मैं टाइटल में खेला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फर्स्ट प्लेस आया तेलंगाना केसरी। अब कितने पहलवान? उसमें 16 पहलवान थे, 5 पहलवान जी, 16 में से 5 पहलवान थे। अब 5 को भी शिकस्त थी? 4 पहलवानों से। 4 पहलवान जी। आप 4 को भी शिकस्त थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 को भी हराया। जी हाँ, फाइनल मुकाबला हुआ मेरा 4 पहलवानों से, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में मैं जीता। ये हमारा अखाड़ा बामास अखाड़ा है, और ये मेरे वालिद का एक वो है, यानी पेड़ के जैसा है ना, ये मेरे वालिद उगाए थे ये बामास अखाड़ा फाउंडर। यहाँ पे हमारे पास बामास अखाड़े में बहुत स्ट्रगल हार्ड है, मेहनत। मेरे वालिद का कहना ये था कि इंसान हलाल हराम की तमीज़ रखना सबसे पहले, छोटे बड़ों का अदब रखना, बात करने का अखलाक, नमाजी परहेजगार मेन इंशाल्लाह। ये